अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलिए जी, मिलते हैं जल्दी। हैं, आओ बाबा। चल के बाहर पुलिस का जमात इकट्ठा हुआ है महारानी मैडम। और तो और, बाबू साहेब भी हार मान लिए लगता। अरे हंसी खुशी बतिया रहे अपने समधनों दामाद से। नाटक, सब नाटक है। मजबूरी में झुकने का नाटक करना पड़ रहा है बाबू साहेब। इसका मतलब वो हमसे उम्मीद छोड़ चुके, गिर चुके हम उनकी नजरों से। महारानी मैडम, एक बार उनसे बात करके कुछ मोहलत। ना, ना। अब कोई बातचीत नहीं होगी, ना कोई दलील, ना कोई दरख्वास्त। निकम्मा समझ लिए ना बाबू साहेब हमको, तो अब खुद को साबित करने का बस एक ही तरीका नजर आ रहा है। खत्म कर दो उस सुनैना को। बिल्कुल सही कह रही थी पंजा, और इनके बड़े भाई साहब ना सुटिया गए। अरे पहले तो राजकुमारी का मुड़ी काटने को तैयार थे, अब अपना मुड़ी झुका के इतना आसानी से रिश्ता के लिए हाँ भी कर आए। तमोला, तमीज से बात करो, कछु पता नहीं है तुमको। भैया का सारा टेंशन ना सिर्फ हम समझते हैं, और कोर्ट एक बार फैसला सुना देती है ना तो अच्छे अच्छे लोग मजबूर हो जाते हैं। मानते हैं आप, मानते हैं मजबूरी में आप ये रिश्ते के लिए मान गए हैं बाबू साहेब, लेकिन ये शादी तो नहीं हो सकती, नहीं तो सुने ना का राज बाहर आ जाएगा। आज बहुत दिनों के बाद हमारा दिल जो है एकदम खुश हो गया है। इसी बात पे ना हमको एक शेर याद आ रहा है, अगर आप सब इजाजत दें तो हम कुछ अर्ज करें। पूछ कह रहे हैं भैया, मना करने पे मानेंगे तो है नहीं। सुना दीजिए, सुनाइए सुनाइए। तो इरशाद है कि भगवान ने दो प्यार करने वालों को जुदा करने का कीमत चुका दिया। अरे कोर्ट की एक सुनवाई में बाबू साहेब को झुका दिया। नहीं बाबा, नरेश अंकल ने जिस तरह से हमें गले लगाए
उसमें हमें अपनापन तो फील नहीं हुआ। कुछ तो बात है, शायद वो झुके नहीं है बल्कि झुकने का नाटक कर रही है। शाबाश बाबा, हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुम इंसान को पहचानना सीख गए हो। ऐसे कि हमको पूरा यकीन है कि मौका मिलते ही नरेश सिंह पलटवार जरूर करेगा। आप कभी कुछ कहते कह नहीं पापा, बड़े पापा की तकलीफ दिखाई देती है आपको, अपनी बेटी की नहीं। वो हार मानकर रिश्ते के लिए मान भी गए तो आप ऐसा होने देंगे? जो लड़का मंडप में आपकी बेटी से रिश्ता तोड़ गया, वो दोबारा आके सुनैना से रिश्ता जोड़ेगा और आप देखते रहेंगे। कैसे पापा हैं आप? दी, कैसे बात कर रही हूँ आप पापा से? अपने गुस्से पे ना थोड़ा कंट्रोल करो। तुम अपनी जबान पे कंट्रोल करो, इतना प्रवचन सुनने की आदत नहीं है। जो लड़का मंडप में आपकी बेटी से रिश्ता तोड़ गया, वही दोबारा आकर सुनैना से रिश्ता जोड़ेगा और आप देखते रहेंगे। कैसे पापा हैं आप? ठीक कह रही है पंकजा, हम हाथ पे हाथ धरे तमाशा नहीं देख सकते। लेकिन वो आदमी ना हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगा, कुछ तो तमाशा करेगा, कोई तो प्लानिंग बनाएगा बउआ। लेकिन हम भी उसका प्लानिंग फेल करने के लिए एडवांस में इंतजाम कर लिए हैं। तो पुलिस कांस्टेबल हमने उसके घर भेज दिए हैं, जो शादी तक सुनैना को अकेला नहीं छोड़ेंगी। सही किया ना? नमस्ते सर, हम मीना, मीना कुमारी। हम कभी सोचे ही नहीं थे कि आपके यहाँ पे पर्सनली ड्यूटी करने का मौका मिलेगा, वो भी शादी वाली रौनक के दिन। वैसे तो नाम हमारा मीना कुमारी है, लेकिन आपकी बेटी मीना कुमारी से कम सुंदर नहीं है। बहुत हो गया बचने बचाने का खेल, अब तुम रजत की जिंदगी से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से जाओगे। आज तुम्हारी मौत के साथ मेरे और रजत के नए रिश्ते की शुरुआत है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। तुम लोग अभिन आ गई, अभिन तो कोनो रसम शुरू भी नहीं हुआ है, ये का है? लेकिन हमारा डूट तो शुरू हो गया है ना बाबू साहब, आप तो आपकी बेटी को विदा करा के ही विदा होंगे। अच्छा बढ़िया है। ये अब सगने का वजह से हर तरफ से गिरते जा रहे हैं, कैसे रोकें ये अनर्थ? अरे हमें तो अंदर आने दीजिए, वर्दी पहनी है तो क्या हुआ, हम भी तुम्हारे दोस्त ही हैं। ये देखिए पर्सनल स्पेस है, आप दोनों बाहर ही रहिए और पहरा दीजिए। पर हम पहरा देने के लिए नहीं, तुम्हारी जीजी की प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। मैं सुनैना दी के सपोर्ट में हूँ, इन दोनों की शादी के सपोर्ट में हूँ, उन्हें भगा के यहाँ से कहीं नहीं लेके जाऊंगी। वो देखो चाय नाश्ता भी आ गया, तो आप दोनों ना चाय नाश्ता करिए और चिल करिए। ओके बाय। मैं ना पहली बार लाइफ देख रही हूँ कि एंड में जीत सच्चे प्यार की होगी। सो हैप्पी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दी आपकी और नमन चीजों की शादी हो रही है। वैसे
तुम्हारा ना बहुत बहुत थैंक यू अशफ, तुमने हमेशा हमारा नमन जी का साथ दिया। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि हाउ मच आई लव यू। अच्छा अच्छा, अभी ना मैंने बहुत मुश्किलों से आपकी वो दोनों बॉडीगार्ड्स को बिजी करवाया, तो अब मुझसे बात करके ना अपना टाइम मत वेस्ट करो। अब आप नमन जी से बात कीजिए, तब तक मैं ना फ्रेश होके आती हूँ। Have fun। शिव्या, नमन जी, तुम सुनैना, तुम खुश हो ना? नमन जी, पहली बार आपसे बात करके डर वाली फीलिंग आ रही है, और ना ही कोई गिल्टी वाली। मुझे भी, लेकिन हाँ, बस एक फीलिंग आ रही है। क्या? प्यार वाली। I love you सुनैना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दो दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे काटूंगा। तुम्हें पता है, बस हर जगह सोते जाते हम सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखते हैं। सुनैना, पता है, हम तो अपने आने वाले कल के बारे में, अपने होने वाले बच्चों के बारे में, हर एक सिचुएशन के बारे में इमेजिन कर रहे तुझसे शुरू हो, हर सांस तुझ पर खत्म, धड़के तू दिल बन के हमें, तब जाके जीते हैं हम। तेरी मोहब्बत है यारा, हम पर रब का करम, धड़के तू दिल बन के हमने, तब जाके जीते हैं हम। तू जाने न तेरी खैर के, हर दम में दम हम भरे दिया साबरे। जैसे गुलाबों में खुशबू, जैसे जिस्मों के साए, एक दूसरे में मेरी जान, हम और तुम यूं समाए। जैसे गुलाबों में खुशबू, जैसे जिस्मों के साए, एक दूसरे में मेरी जान, हम और तुम यूं समाए। तू हमसे हो दूर पल भी, हम सौ सौ बार मरे पिया सबरे। Sabre, 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 s
बस जीजू बस। अब कुछ बातें आप दोनों शादी के बाद के लिए भी छोड़ दो। वैसे भी जीजू अब 2 दिन बाद दी को आप ही के घर तो आना है। अब बाय शिव्या। बाय सुनैना। बाय। एंड आई विश इन 2 दिनों में हम दोनों के बीच कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मंडप में आपकी बेटी से रिश्ता तोड़ गया, वो दोबारा आके सुनैना से रिश्ता जोड़ेगा और आप देखते रहेंगे। कैसे कर पाए आप? हमारे बाप जैसे भाई साहब और हमारी बिटिया की जिंदगी में काल बन के आई है ये लड़की। आज इसको अपने हाथों खत्म करके ही दोनों को इंसाफ दिलाएंगे हम। अरे ओ छोटे बाबू साहेब, रात के अंधेरे में ये बंदूक लिए किसे खत्म करने जा रहे हैं? गोली अभी अभी भरे हैं, एकदम फ्रेश। लगता है किसी से बहुत गुस्सा हो। कौन है बताइएगा? हम भेजे थे परवेश को। तुम लोगों को अभी पता नहीं है हमारा बेटी पे जानलेवा हमला हुआ है कितना बार। माहौल खराब है। एक बाप कैसे सोए आराम से ऐसे, और रात में तो और ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। इसलिए ये सब करते हैं। कोनो नया बात नहीं है, इसलिए परवेश को भेजे थे। आओ परवेश। पर हमरे रहते आपको चौकन्ना रहने की कोनो जरूरत नहीं है बाबू साहेब। और अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया है कि अगर सुनैना जी पे किसी ने अटैक करने की कोशिश की तो उसे उसी वक्त गोली मार दी जाएगी। और हम लोग अपना ड्यूटी बहुत जिम्मेदारी से निभाते हैं। जबानी का जोश है, खून गरम है, बढ़िया है। आओ परवेश। तो अरे उस राजकुमारी की पुलिस वाली है, दोनों यहाँ रखवाई है, उनके सामने तुम बंदूक लेके सुनैना को मारने चल दिए। एक कौन समझदारी वाला बात? हम नहीं डरते, क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा
जेल भेज देंगे, हम चले जाएंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे, चढ़ जाएंगे। हमको पता है भैया, ये साथी आप मजबूरी में हाँ किए हैं और ये मजबूरी का नतीजा आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा, जिल्लत और बेइज्जती के साथ जो हम नहीं देख पाएंगे। जज्बाती होने का जरूरत नहीं है परवेश, इस बात को समझो। सुनैना का जिंदगी का मतलब है कुमुद का जिंदगी। ई गई तो ऊ भी गई। तो क्या करें, शादी होने दें। और अगर ये शादी हो गई तो क्या होगा, लेकिन राज खुल जाएगा, आप पे कलंक लगेगा और लोग थूकेगा आप पे, और आपका ये दशा हम मर जाएंगे पर देख नहीं पाएंगे। परवेश, परवेश, ऐसा हम दशा नहीं आएगा परवेश। कैसे नहीं होगा, दो दिन बाद शादी है। सुनैना का राज खोल देंगे फिर ये शादी कभी नहीं हो पाएगी। राज खोल देंगे, यही राज को राज रखने के लिए दुनिया के सामने। दुनिया के सामने नहीं परवेश, सुनैना के सामने। कुमुद चाहे कितना भी रोके, लेकिन अगर सुनैना को उसका सच्चाई बता दी तो खुद ही इस शादी तोड़ देगी। सुनैना का कोई राज है, मतलब मम्मी ठीक कहती थी, जो भी है बात तो बड़ी लगती है, मतलब सुनैना सच में खुद से ये शादी तोड़ेगी।